सबसे पहले स्टार्ट है एक्सरेस। हमने एटम और ड्यूल नेचर में क्या सीखा था? हमने एटम में सबसे पहले ये सीखा था कि एटम क्या है, न्यूक्लियाई क्या है, फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, फिर हमने किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो एनर्जी -13.6 / n², और अगर वो हाइड्रोजन नहीं होगा और कोई और एटम होगा हाइड्रोजन लाइक होगा उसको z² से मल्टीप्लाई कर देते। तो ऐसे सब रिजल्ट हमने किए हुए हैं। तो एनसीईआरटी का सारा काम हमने किया हुआ है, होप आप सबको फॉर्मूला द्वारा आते हैं उसके। इसके बाद जो ड्यूअल नेचर है उसमें तो आइंस्टाइन की इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है सारा कुछ, तो वो भी हमने किया हुआ है। एक टॉपिक जो नहीं किया हुआ वो है एक्सरेस। एक्सरेस के ऊपर हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, नीट में भी है ये और मेंस में भी है, तो 2-3 फॉर्मूलाज नोट करेंगे इसके। एक्सरेस बेसिकली एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए थे, ये जानबूझ के निकाले नहीं गए थे। तो एक जर्मन प्रोफेसर था जिसने बेसिकली क्या किया था कि गैसेस के अंदर डिस्चार्ज किया था और फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक पेपर के अंदर कहीं साइड पे पड़ी हुई थी, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था, रैप्ड थी पेपर उस क्लोथ के अंदर, फिर भी वो अफेक्ट हो गई। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसने छुपा के रखी है फोटोग्राफिक प्लेट, वो खराब कैसे हो गई। इसका मतलब कोई तो रेडिएशन है जो पेनीट्रेट कर गई उस कपड़े के अंदर से। तो उसको समझ में नहीं आया वो क्या रेस थी, इसलिए उस रेडिएशन का नाम उसने एक्स रख दिया। एक्स का मतलब मालूम नहीं, तो आज तक वो नाम चल रहा है एक्सरेस। तो एक्सरेस का मतलब यही था कि उसको खुद नहीं पता लगा कि हुआ क्या था। तो यहां से ये स्टोरी स्टार्ट है। अब बहुत तरीके से एक्सरेस को बनाया गया, हमने नहीं करना। बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि एक्सरेस के अंदर एक जो है एक्सरे ट्यूब बनाई गई, कूलिज एक्सरे ट्यूब बोलते हैं उसे। तो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकाले गए और एंटर्स के शेल ऑफ द के शेल के इलेक्ट्रॉन को उसने हिट किया। एक एटम है, मतलब कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट नहीं किया, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उसने जाके हिट किया। तो के शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट किया और उससे जो एक्साइटमेंट हुई इलेक्ट्रॉन की, और जब नीचे गिरा इलेक्ट्रॉन उसने एनर्जी को रिलीज किया, और वो रिलीज इलेक्ट्रॉन्स कौन सी एनर्जी थी, एक्सरेस थे। तो पहला क्वेश्चन जो आ सकता है कि जो एक्सरेज हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, वो कौन से शेल से प्रोड्यूस, वो के शेल से प्रोड्यूस हो सकती है, नंबर वन। नंबर टू, एक्सरेज कैन बी कंट्रोल्ड। ये देखा गया बाद में कि एक्सरेज को कंट्रोल किया जा सकता है, कम ज़्यादा या टाइप ऑफ एक्सरेज हैं, तो कई किस्म की एक्सरेज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे, वही बेसिक थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैट्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन ने कैसे काम करना है, पोटेंशियल से, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, वो एनर्जी से क्या होगा, ½mv² इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो इतनी वेलोसिटी से जाके उसे के शेल को एक्साइट करेगा। तो ये फॉर्मूला एक्सरेज में चलता है। नेक्स्ट है, एक्सरेज का ना स्पेक्ट्रा होता है। स्पेक्ट्रा जहां वर्ड आता है इसका मतलब कलेक्शन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ को हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक किस्म की एक्सरे है, बस एक ही किस्म की दुनिया में एक्सरे, ऐसा नहीं है। एक्सरे में कई किस्म की एक्सरेज हैं, तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उसके हिसाब से कलेक्शन ऑफ एक्सरे को स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं, व्हेन वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हिट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल इट गेट्स एक्साइटेड, द एनर्जी इज नोन एज एक्सरेज, बता दिया मैंने। और एक्सरेज को प्रोड्यूस करने का ये भी फॉर्मूला है कि जैसे ई इंटू वी, आपने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन गन से जो फायर हुआ इलेक्ट्रॉन, वो फायर होके उसने किसी इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इलेक्ट्रॉन जब नीचे आया तो वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, एच न्यू, मतलब फोटोन जैसे रिलीज करते हैं ना, तो एच न्यू एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है किसकी, एक्सरे की। तो एक्सरे की सेकंड फॉर्मूला जो बनेगा एक्सरे का, वो एप्लीकेबल इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला सेम। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो एक्सरे की, जो एक्सरे की रेडिएशंस की होगी, वो क्या होगी, ईवी बाई एच हो जाएगी। नेक्स्ट है, मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, जब फ्रीक्वेंसी मैक्स है तो वेवलेंथ मिनिमम है, तो मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, सी बाई न्यू, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ से न्यू मैक्स हम निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। नोट कर ले फॉर्मूला बुकलेट में, दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। भूल गए तो कम से कम बनाना आपको आता है कैसे करना है। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम आ गया। नेक्स्ट है, इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखें कि एक्सरेज की जो प्रोडक्शन है ना वो कैसे हो रही है। एक्सरे की प्रोडक्शन में के शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, ये तो
बात मैंने बता दी आपको, के शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके या तो एल पे जा रहा है या एम पे जा रहा है या एन पे जा रहा है, कहीं भी जा सकता है। तो चाहे कोई इलेक्ट्रॉन एन से के पे गिरे, एम से के पे गिरे, एल से के पे गिरे, एम से एल पे गिरे, तो ये सब रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगी, ये सब एक्सरेज हैं। तो यानी कि कई किस्म की एक्सरेज प्रोड्यूस होने वाली हैं डिपेंडिंग आपके एक्साइटेशन कहाँ होने वाली है। तो ये डायग्राम को एनर्जी लेवल से ऐसे समझाया और वैसे ऐसे समझा रहा है कि ये के शेल का इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है, यहाँ से हम क्या करते हैं इसको हिट करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के साथ और एक्साइटेशन होती है तो एक्सरे का फोटोन निकलता है। तो ये डायग्राम है स्पेक्ट्रा, जो स्पेक्ट्रम निकलता है या स्पेक्ट्रा जो निकलता है, जो मैं बता रहा हूँ कि कई किस्म की एक्सरेज निकलती हैं, वो ना बेसिकली दो टाइप की निकलती हैं। एक निकलती है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, एक निकलता है करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेरियस एक्सरेज, ये कॉन्टिन्यूस है मतलब इन बहुत सारे एन नंबर ऑफ एक्सरेज इकट्ठी निकलती हैं। और एक होती है करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा जिसमें सिर्फ दो ही एक्सरेज की सीरीज निकलती है, या तो के सीरीज निकलती है या एल सीरीज निकलती है। के या एल सीरीज को बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। तो दो किस्म की एक्सरेज निकल गई। अब इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स, वी विल डिस्कस करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। तो करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा दिखता है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रिलेटिव इंटेंसिटी है एक्सरे की और ये वेवलेंथ है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रे कलर में जितने भी हैं देख रहे हो, ये सब एक्सरेज ही एक्सरेज हैं। कि आपको कौन सी एक्सरे चाहिए, इस वेवलेंथ पे चाहिए, इस पे चाहिए, इस पे चाहिए, इस पे चाहिए, इस पे चाहिए, बहुत सारी एक्सरेज निकल रही हैं। अब इसके अंदर ये जो शार्प पीक्स निकल रही हैं, शार्प बिल्कुल देखो, देख रहे हो शार्प है, तो ये क्या है, ये स्पेशल एक्सरेज एक्सरेज हैं जिनको क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। बाकी तो स्पेक्ट्रम है, बाकी तो नीचे नीचे प्रोड्यूस हो रही हैं, ये थोड़ी शार्प प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जिनकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई है, तो उसका नाम क्या है, के अल्फा और के बीटा टाइप की एक्सरेज है, क्योंकि के शेल से निकलती हैं। अब एक साइंटिस्ट था, मोसलेस करके साइंटिस्ट है, ये शायद केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। उसने क्या किया, उसने एक रिजल्ट दिया कि किसी भी आप के शेल को जब हिट करते हो तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी, उसका के इंटू जेड माइनस वी, ये फॉर्मूला नोट करें प्लीज, प्रूफ नहीं करना हमने इसका। तो इसमें के और बी कॉन्स्टेंट्स हैं फॉर गिवन स्पेक्ट्रल लाइन के सीरीज की, जब के सीरीज की एक्सरेज निकलती हैं, दो किस्म की एक्सरेज निकलती है के सीरीज की, के अल्फा निकलेगा, के बीटा निकलेगा, शार्प जो निकलती हैं स्पेशल एक्सरेज है, बाकी तो स्पेक्ट्रम है, उनका कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो जब भी आप के सीरीज की आप एक्सरेज की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला नोट करेंगे, और जेड का मतलब एटॉमिक नंबर है। कैसे काम आएगा, न्यूमेरिकल में देखेंगे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं है, बट फिर भी अगर मालूम मार्क करने को भी आ जाएगा तो पता होना चाहिए कि हमने कहाँ ये फॉर्मूला लगता, कहाँ एक्सरेज में लगता है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट है कंक्लूजन, उसने निकाला, चलो कंक्लूजन तो उसने क्या ही निकाला, ठीक है, ओरिजिन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम, ओरिजिन मैंने बता दिया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द टारगेट इट पेनिट्रेट्स वेल इनसाइड द एटम ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, और नॉक करते हैं के शेल को, के शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो एक्सरे प्रोड्यूस हो जाते हैं, सेम बार बार वही बातें हैं, कुछ ऐसा नई चीज़ नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे का फॉर्मूला नोट करो, फ्रीक्वेंसी जो एक्सरे का जो फोटोन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला, आर इंटू सी रिडबक्स कॉन्स्टेंट इंटू सी जेड माइनस बी का स्क्वायर और एन एफ और एन आई, ये नोट करो फ्रीक्वेंसी। और जेड माइनस बी, जेड का मतलब तो अटोमिक नंबर है, जेड माइनस बी का मतलब है अफेक्टिव अटोमिक नंबर ऑफ टारगेट, जेड माइनस बी का मतलब अफेक्टिव अटोमिक नंबर ऑफ टारगेट, तो ये नोट करो। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके प्रूफ नहीं है आपके, उसमें प्रूफ नहीं करना कुछ भी, तो अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा सीधा अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है, वैसे आता है इसके ऊपर तो क्वेश्चन फिर भी आ जाता है। तो के सीरीज के अंदर वैल्यू ऑफ बी हैज बीन फाउंड नियरली टू वन, तो जो अगर न्यूमेरिकल के सीरीज का, वैसे नॉर्मली के सीरीज पे ही आता है, तो बी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वन पुट करते हैं, वन पुट करेंगे। तो जैसे इस पे आता है क्वेश्चन, के अल्फा लाइन, के अल्फा लाइन का मतलब ये होता है कि जब आपकी एक्सरे निकलती है और आपकी ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होती है, सेकंड नंबर शेल से वन नंबर शेल पे होती है। तो अगर आपकी ट्रांजिशन टू से वन हो रही है और एक्सरे निकली, उसका नाम है के अल्फा लाइन। तो के अल्फा लाइन की कंडीशन नोट करो, गिवन नहीं होगा पेपर में, सीधा आएगा के अल्फा लाइन, के अल्फा लाइन की एक्सरे जब निकलेगी तो ट्रांजिशन टू से वन होगी और बी तो बाय डिफॉल्ट वन होगा, तो फ्रीक्वेंसी के अल्फा लाइन का ये फॉर्मूला नोट करना है। तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब इसको सॉल्व करोगे बुक्स में, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में यूज करता है वो, इसको सॉल्व करके ये आता है, पर मेरे हिसाब से ये कर लो एक ही बात है, ये कर लिया फर्क ही कोई नहीं है।
तो अगर आपको अब आज के बाद ऑब्जेक्टिव दिखा ना के अल्फा लाइन पे, आपको समझ में आएगा के अल्फा लाइन में बेसिकली ये कंडीशन पुट हो रही है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ के अल्फा लाइन। देखो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको बुक्स में दिखेगा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इसके अंदर ये दिखेगा करेक्टरिस्टिक्स में, अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें, ये शेल नंबर लिखे हुए हैं एन एम एल और आर। तो थोड़ा क्लियर नहीं है पर थोड़ा इतना समझ में आ जाएगा आपको देख के, जो ऑनलाइन है स्पेशली, बाकी द्वारा होगा इसमें, कि इसके अंदर अगर आपकी ट्रांजिशन एल से के पे होती है, एल से के पे होती है, एक्सरे का नाम है के अल्फा। अगर आपकी ट्रांजिशन एम से के पे होती है, एक्सरे का नाम है के बीटा। अगर आपकी ट्रांजिशन एन से के पे होती है, के गामा। अगर आपकी ट्रांजिशन एम से एल पे होती है, एल अल्फा। अगर आपकी ट्रांजिशन एन से एल पे होती है, एल बीटा। अगर आपकी ट्रांजिशन एन से एम पे होती है, एम अल्फा। ये किस्म ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सरेज है, ज्यादातर क्वेश्चन के पे आता है। तो मैंने इस पर लिखा हुआ ये देखो मैथमेटिकली कि अगर आपकी के अल्फा की बात करते हैं, बस के अल्फा के बीटा, तो आपकी ट्रांजिशन कहां से कहां हो रही है, एल से के पे हो रही है। तो अगर आपकी ट्रांजिशन एल से के पे हो रही है तो के अल्फा लाइन है। तो अगर एल से के पे हो रही है तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या होगा, एच सी बाय एनर्जी का डिफरेंस, क्योंकि आपकी ट्रांजिशन के और एल के बीच में है। तो ये पहली वेवलेंथ आएगी, इसका नाम है के अल्फा वेवलेंथ, न्यूमेरिकल आएगा के अल्फा के ऊपर। तो ये वेवलेंथ की वैल्यू आएगी, और यहां पर ना यहाँ लैम्डा अल्फा भी डालना पड़ेगा, अलग अलग वेवलेंथ है ना, तो अलग अलग ये लैम्डा अल्फा के अल्फा की वेवलेंथ है। के बीटा में क्या होगा, के बीटा में होगा आपकी ट्रांजिशन कहां से क्या होगी, एम और के बीच में होगी। तो ये के बीटा का की वेवलेंथ है। ऐसी के ऑफ एल अल्फा की क्या होगी, एल अल्फा की ट्रांजिशन एम और एल के बीच में हो रही है, एल अल्फा है ये। प्लीज के गामा नहीं किया इसने, न्यूमेरिकल तीन के ऊपर आते हैं, न्यूमेरिकल आता है के अल्फा पे, के बीटा पे और एल अल्फा। और एल अल्फा की जो ट्रांजिशन है, मैंने क्या बताया, एल अल्फा की ट्रांजिशन हुई है एम और एल के बीच में। तो ये तीन फॉर्मूला आपने नोट करने हैं, क्योंकि वो रिलेशन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, फाइंड रिलेशन बिटवीन लैम्डा अल्फा, लैम्डा बीटा एंड लैम्डा, जो भी इसमें एल अल्फा करना पड़ेगा, एल अल्फा लिखा हुआ मैंने, एल अल्फा एक ही बात है। तो ये कुछ ना कुछ इस फॉर्म में आंसर पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला सबको क्लियर है पहले तो, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है डेल्टा एनर्जी का फॉर्मूला, मैंने आपको लिखवाई दिया इसमें, ये भी नोट कर लें, डेल्टा ई चेंज ऑफ जो एनर्जी है उसका ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में बी की वैल्यू के सीरीज की वन पुट करनी होती है, मैंने याद करवाई थी, के सीरीज की वन है और एल सीरीज में 7.4 है, एल सीरीज में 7.4 है। हालांकि हम ये जो फॉर्मूलाज कर रहे हैं एक्सेप्शनल फॉर्मूलाज हैं, रेगुलर आने वाले फॉर्मूलाज नहीं है, पर फिर भी कोई एक क्वेश्चन अगर आ गया तो एटलीस्ट आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो इसमें, ठीक है। लिखा हुआ है मैंने, जो हैंड रिटन इसके प्रिंट आउट दिए हैं उसमें आप प्लीज हाईलाइट कर लेना, क्योंकि काफी 70 पेज के प्रिंट आउट है, उसमें आप कितना कितना लिखोगे आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है ये पेपर में आता है मार्क ये बनाने को, डायग्राम पेपर में ही आता है कि मोस्टली फॉर्मूला से क्या आता है, वो कहते हैं अंडर रूट ऑफ न्यू और जेड के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। तो स्ट्रेट लाइन बनाना है, याद रखना है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर जैसे एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 में आप 2 और 1 यहाँ पुट कर देंगे, और k अल्फा लाइन है तो k अल्फा लाइन में b को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अब चेंज ऑफ एनर्जी होती क्या है, जो एक्सरे निकलेगी उसका फोटोन की फ्रिक्वेंसी अगर न्यू है तो डेल्टा e की जगह क्या पुट करेंगे, h न्यू पुट करेंगे। इन्हें सॉल्व करके ये फॉर्मूला आएगा, तो आप ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला आप जो है यहाँ से सॉल्व करके आएगा, लेकिन आपने जो फॉर्मूला कर रखा है, मोस्टली इस फॉर्मूला कर रखा है, वहां से कंपेयर करके के का ये फॉर्मूला आएगा। तो बेसिकली अगर वो के पूछ ले कि के कैसे निकलता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, तो आप ये फॉर्मूला से इस फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करके के को निकाल सकते हैं। रेयर केस है, बहुत रेयर केस है, मैंने एग्जाम्पल जरूर नोट किया हुआ जहां से किताब से नोट किया, पर इस टाइप की प्रॉब्लम आती मैंने देखी नहीं है।
ठीक है, पर फिर भी मेरा बनता है बताना, जब मैं पूरी थ्योरी लिख रहा हूँ तो मैं एक एक चीज में नोट करता जा रहा हूँ, तो मैंने मतलब अगर के पूछ ले तो ऐसा के निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसके अंदर बस ये एक्सरे की थ्योरी है, ठीक है, बाकी जो न्यूमेरिकल आएगा बीच में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अंदर नेक्स्ट जो है रेडियो एक्टिविटी, ऐसा बोल रहे हैं कि शायद मेंस और नीट में अब इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, जबकि हमने एनसीईआरटी में किए भी थे, मैंने करवा दिए थे रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स। देखो मुझे खुद नहीं मालूम है इस बार क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी आएगी नहीं आएगी मालूम नहीं है, पर मैंने एनसीईआरटी में करवा दी। मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको ब्रीफ कर देता हूँ जो बड़े फेमस है न्यूमेरिकल रेडियो एक्टिविटी के, जो ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, ताकि अगर आ जाएँ तो एटलीस्ट आपको कम से कम दो क्वेश्चन करने लायक हो। मैं कह नहीं सकता आएगी कि नहीं आएगी, दो तीन क्वेश्चन ही हैं, बाकी नॉर्मल ड्यूअल नेचर के ऊपर तो आना ही आना है क्वेश्चन, तो आज हम वो ट्राई करेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड सर्टन, ये हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जो हमने की थी, याद है हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कितना है, 138 डेज है, कितने समय के बाद मटेरियल कितना रह जाएगा, 12.5। क्या सिखाया था, मटेरियल 50% कितनी देर में रहता है, फर्स्ट हाफ लाइफ, 25% दो हाफ लाइफ, 12.5% तीन हाफ लाइफ, तो आंसर क्या आएगा, This into three answer, खत्म। फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या है, तो पता ही है 12.5% 12.5 की फिगर ही है, याद है आगे भी करवाया था 6.25% चार हाफ लाइफ, आगे भी करवाया था 3. कितने परसेंट था, पांच हाफ लाइफ, बस वो फिगर ही ऐसी देखा कि जिसमें हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई करना होता है, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने की, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है, ये मैंने एनसीईआरटी में करवाया था, ये भी एनसीईआरटी में करवाया था, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं है। इसके अंदर ना एक क्वेश्चन है, जैसे ये रहा, इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप वाइज डीके ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, अगर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ D2 176 और 71 है तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डी के, ये भी एनसीईआरटी में करवाया था मैंने आपको, कैसे निकालते थे, अल्फा डीके एंड बीटा माइनस डीके, तीन किस्म के डीके करवाए थे, अल्फा डीके, बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा नेगेटिव डीके, याद है, तो तुम कहते हो मैं एनसीईआरटी की तैयारी करते हैं हम जबरदस्त तरीके से, कहां याद है, डीके करवाए थे। अच्छा अल्फा डीके में क्या होता है, क्या निकलता है, हीलियम, हीलियम 4-2, बीटा पॉजिटिव में क्या निकलता है, E0+1, ठीक है, ठीक बोल रहे हो, तो जैसे x है और इसमें बीटा नेगेटिव निकल गया तो क्या निकलेगा, E0-1, और बीटा पॉजिटिव निकलेगा तो क्या निकलेगा, E0+1, तो उस हिसाब से आपने इसको अरेंज करना होता है, जैसे ये इसका जो भी नंबर है, जो भी नंबर है, तो इसके ये नंबर जो है एटॉमिक नंबर +1 हो जाएगा और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये -1 हो जाएगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो इसने क्या निकाल दिया, बीटा नेगेटिव निकाल दिया, इधर से अल्फा मतलब बैक ट्रैक करवा रहा है, नॉर्मली ये गिवन होता है और ये निकालने होते हैं, ये उल्टा पूछ रहा है, कोई बात नहीं उल्टा कर दो। तो देखो ये क्या है, 172, 176 और 71 तो गिवन ही है ना, और क्या निकाला हुआ, बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव का मतलब यहां पर क्या निकला होगा, E0-1, तो इसका मतलब यहां पर जो आएगा वो 176 तो आएगा ही आएगा, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर में क्या होगा, ये +1 करके क्या जाएगा, 70 आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 70 तो आ गया पर इसने क्या निकाला था, हीलियम, हीलियम निकले तो 176 है और ये क्या है, 4 है, तो क्या हो गया, 180, और यहां पर क्या होगा, 72, तभी तो हीलियम निकाल के ये बचेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकाल के ये बचेगा आंसर, तो उल्टा पूछेगा आपसे जो भी पूछेगा, ठीक है यहां तक, तो अल्फा डीके, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव क्लियर है। नेक्स्ट मुझे इसमें क्या करवाना है, ये बेसिक है, देखो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करोगे ये करोगे एक ही बात है, कोई नई चीज़ नहीं है, तो मैं नई चीज़ करवाऊंगा आज जिसमें आपको एटलीस्ट पता, कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं। चलो ये देख लो, 7 देख लो, क्या 7 है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन N1 से N2, N1 and N2 are the principal quantum number of two states. Assume Bohr model to be valid.
if time period of electron in the initial state is 8 times that of final state fine n1 and n2, क्या करवाया था? Time period जो था वो directly proportional to n cube था. मैंने आपको सारे formula note करवाए थे, velocity का और n का क्या relation है, time और n का क्या relation है, energy और n का क्या relation है, तो यहाँ से answer आएगा. ठीक है, ये formula applicable है, simple है. ये सिंपल देखो जो मैं छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने छोड़ने हैं, आपने घर जाके करने हैं, सारे सॉल्व हैं, प्रिंटआउट मैंने दे दिए हैं. जो छोड़ रहा हूँ आपने एनसीईआरटी बेस्ड है, आप इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे. तो मैं कुछ नया करवाना चाह रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़े. क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम एंड चार्ज जेड, इनिशियल स्पीड जेड या जेड डैश, इनिशियल स्पीड वी गिवन है या यू जो भी है, एंड इंपैक्ट पैरामीटर बी. इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता था याद है? न्यूक्लियस की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां से कोई इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल हिट करने को आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर. तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? बी. तो इस इंपैक्ट पैरामीटर से कोई जेड डैश इंटू ई चार्ज का पार्टिकल मूव करता हुआ आ रहा है, और ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, मतलब हेड ऑन कोलिजन नहीं हो रही. हेड ऑन होता, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, हेड ऑन होता है, जाता है और वापस आ जाता है. ये हेड ऑन नहीं है, थोड़ा न्यूक्लियस यहां पड़ा है, गोल्ड फॉइल यहां पर पड़ा हुआ है, ये आपका अल्फा पार्टिकल आया, रिपल्शन से ऐसे चला गया, रिपल्शन से दूर चला गया, ऐसा चला गया. वो कह रहे हैं तो हैवी न्यूक्लियस पड़ा हुआ है जिसका चार्ज जेड है, जेड ई चार्ज है, और इसका चार्ज क्या है? जेड डैश ई चार्ज है. तो ये मूव करता हुआ आ रहा है. अब वो कह रहा है यूज एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन to obtain the formula connecting minimum distances of the projectile from nucleus to these parameters. Can minimum distance inka kya hoga? Dekho hoga kya? Basically isme aapko karna kya hai? Dekho basically ye distance shuru mein kitna hai? B hai. B hai. Yahan se ye distance change hona start ho jayega. To jab ye iske paas jayega to iska minimum distance maan lo S hai. उसके बाद ये दूरी बढ़ती 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 जाएगी, तो कम से कम डिस्टेंस का क्या रहेगा? S. तो वो S क्या होगा ये आपको बताना है इन सारे पैरामीटर्स की हेल्प से, और कब? जब इसके बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, ये बताना है न्यूक्लियस के जब क्लोज आ जाएगा, तो ये बताना है आपको. और वो डिस्टेंस इसके इक्वल जो है, और डिस्टेंस एस रिड्यूसेस टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. कह रहे अगर मैं बी को जीरो पुट कर दूं, अगर मैं बी को जीरो पुट, तो ये प्रूव करो ये फॉर्मुला ट्रू है. देखो ये फॉर्मुला ऑलरेडी हम करके आए हैं. अगर आप एनसीईआरटी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट उठाएं, क्या करवाया था मैंने? करवाया था कि जब ये हेड ऑन आता था, याद है, जब कोई भी ये न्यूक्लियस है ZD और कोई हेड ऑन आएगा तो वो आर नॉट डिस्टेंस पहले रुक जाएगा. इसको क्या बोलते थे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो कैसे करते थे? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर. वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी 1/4πε0 ZD इंटू जेड डैश ई डिवाइडेड बाई आर नॉट. तो वहां से आर नॉट का ये फॉर्मूला बनता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके. लेकिन वो ये कह रहा है कि ऐसे नहीं बनाना, जो आप एस बनाएंगे ना एस, उसमें स्पेशल केस बी को जीरो पुट करके प्रूव करने की आंसर आएगा. ठीक है, तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है वैसे बता रहा हूं मैं आपको. तो एंग्लो ठीक है, वो देते नहीं है, बात अलग है. तो बेसिकली क्या है, जब ये इधर आएगा, जब भी कोई प्लैनेट सन के आसपास घूमता है तो एमवीआर इज अ कॉन्स्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है. कोई भी चीज, कोई अगर ग्रेविटेशनल पुल से या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई चीज अट्रैक्ट या रिपेल हो रही है, देखो हमने तो जाके कुछ किया नहीं, कोई फोर्सेस लगा नहीं रहे, तो ना हम एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट की इक्वेशन लगेगी कैसे? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ऐसे लगेगी, जब ये यहां से चला था तो लीनियर मोमेंटम क्या था? एमयू. तो एमयू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था? बी. एमयू इंटू बी, यहां पर एम यू डैश, वेलोसिटी यू डैश हो गई और डिस्टेंस क्या हो गया? एस. पहली इक्वेशन बन गई, एम वी आर इज अ कांस्टेंट. तो जब तुम डिस्टेंस चेंज करोगे, आपका यू भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन. और दूसरी इक्वेशन, जब ये चला था तो ये एनर्जी थी, जब ये पहुंच गया न्यूक्लियस के पास तो ये एनर्जी है, और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है. देखिए बहुत दूर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो होगी नहीं, जब ये पास आ जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगी? 1/4πε0 इंटू जेड डी इंटू जेड डैश ई बाय एस. तो S हमने निकाल लें. इन दोनों इक्वेशंस को यहां से U डैश की वैल्यू को निकाल के ऊपर पुट करके अगर आप सॉल्व करें, सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा? जो सॉल्व करके ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ गई. यहां से S कैन बी कैलकुलेटेड, निकालना नहीं है, वो कह रहे हैं कि S जो भी आएगा वो यहां से निकल जाएगा. अब स्पेशल केस निकालना है कि अगर मैं इस इक्वेशन में बी को जीरो पुट कर दूं
तो यानी कि हेड ऑन कॉलिजन है। जब मैं बी को जीरो पुट करूंगा तो आपकी इक्वेशन बची हुई ये बन जाएगी, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर नॉट की वही वैल्यू आएगी जो हमने ऑलरेडी एनर्जी कंजर्वेशन से बना रखी है। हमने अपनी एनसीआरटी में बस पहला स्टेप यही किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो पूरी कहानी चल रही है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से चल रही है। ये एग्जांपल ये शो कर रहे हैं, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। रदरफोर्ड का एक एक्सटेंडेड मॉडल है कि रदरफोर्ड ने क्या किया होगा आगे, ये उसने ऐसा कुछ किया, हमने नहीं किया ये, बट ये हिंट दे रहा हूं मैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं कि अगर आपकी ये फिगर है, आपकी एनर्जी 2e से e हो गई, एनर्जी 4e by 3 से e हो गई, तो फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एमिटेड है, तो अगर मैं यहां से यहां जंप करवाऊंगा तो कितना लैम्डा एमिटेड है, तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। क्वेश्चन दे रहा है ना, अगर एनर्जी 2e से e हो गई तो यानी कि इतनी लैम्डा है, अगर एनर्जी 4e by 3 से e हो गई तो ये लैम्डा डैश है, इन दोनों को डिवाइड करके लैम्डा डैश एंड लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड। ये भी क्लियर है यहां तक? तो ये तो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एच सी बाई लैम्डा, वहां से लैम्डा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सेम प्रॉब्लम है, होमवर्क लिखो यार, ये होमवर्क है, ये सारे आपके ये सब होमवर्क है, एनसीईआरटी ये करने हैं, ऐसे मत छोड़ देना इन्हें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो कि एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो ठीक है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है और वो फोटोन घेरता है लैम्डा ग्राउंड स्टेट में, क्वांटम नंबर एन ऑफ एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, भाई वो कौन से शेल से गिरा होगा ग्राउंड लेवल पे, बस एन बता दो इसमें क्या होगा। तो को लगेगा तो इसमें वही कॉन्सेप्ट कि 1 बाय लैम्डा का ये फॉर्मूला किया हुआ हाइड्रोजन के लिए, तो कहां से गिरना है, एन से, कहां गिरना है, 1 पे, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल कैलकुलेशन है। तो आइडिया समझ में आ रहा है करना क्या है, पहली क्वेश्चन समझ में आ रही है, बाकी कैलकुलेशन है, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट जैसे इस क्वेश्चन के बाद ईजी है, जैसे ये लो, डिफरेंस बिटवीन एनथ एंड एन प्लस वनथ बोहर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू एन माइनस वनथ बोहर्स रेडियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब आर और एन का रिलेशन तो चाहिए होगा ना, वो इतना लंबा फॉर्मूला लेके आओगे जो मैंने करवाया था, तो क्या फॉर्मूला बनाओगे, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर है, कॉन्स्टेंट लगा दो सी, क्या वो कह रहे हैं, वो ये कह रहा है कि n प्लस वनथ का जो रेडियस है और जो nth का रेडियस है उसका जो डिफरेंस है वो r ऑफ n माइनस 1 के इक्वल है, ठीक हो यहां तक? तो पुट कर दो यहां पर c into n प्लस 1, यहां पर c into n और यहां पर c into n माइनस 1, बस यहां से सॉल्व करके n की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। जस्ट तरीका बता रहा हूं कि कैसे आपने करना है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, जैसे नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होती है, क्या होगा ये आपने केमिस्ट्री में, नहीं, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी ये आपको मार्क करना है। देखो कितना अजीब सा क्वेश्चन, कुछ दिया तो है नहीं, आप कह रहे हो निकाल लूं क्या इसमें से। देखो आपको अब अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा हाइड्रोजन में तो कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रिपेटल, यानी कि वी स्क्वायर बाय आर, और एम वी आर तो NH by 2 by होता ही है, तो first N is equal to 1 put करके V की यहां से value निकाल के यहां put करके answer mark करना है। कुछ भी नहीं है, दो ही formula है, या तो MVR NH by 2 by है, या फिर acceleration V square by R है, start तो यहीं से करना पड़ेगा V square by R से, ठीक है यहां तक? जैसे ये ठीक है, क्या हुआ है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे ये question है, बहुत आता है ऐसे question, बहुत आते हैं, binding energies of nuclei X and Y are E1 and E2 respectively. Two atom of X fuse to give one atom of Y and an energy Q is released. तो कह रहे हैं दो atom X के हैं और वो Y दे रहा है और energy released है, तो equation तो बन गई 2Y is equal to 2X is equal to Y plus Q. फिर क्या निकालना है आपको, option mark करनी है, इसमें क्या option है, तो कैसे निकलती है binding energy, जो product है उसकी binding energy में से क्या minus करने, reactants को minus करने, अब reactants में twice आएगा, तो इसकी binding energy E2 है, इसकी E1 है, तो ये option mark कर लेना Q. ठीक है यहां तक? नेक्स्ट ये कर लिया, अल्फा बीटा डीके है। नेक्स्ट के अंदर ये सारे फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब लिखवा रखे हैं मैंने आपको फॉर्मूलाज रेडियो एक्टिविटी के, क्यू वैल्यू के ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। ये क्वेश्चन करते हैं सेवंथ,
असाइनमेंट्स दे देंगे बाहर से प्रिंट आउट। तो क्या क्वेश्चन है? न्यूक्लियस एट रेस्ट अंडरगोज अ डीके एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। बहुत आता है मेंस में ऐसा यार, मेन नीट कहीं भी आएगा। न्यूक्लियस ना टूट गया, टूट के अपने अंदर से क्या निकाला? अल्फा पार्टिकल, और एक नया डॉटर न्यूक्लियस में निकाला होगा। तो एक बॉम्ब जब दो हिस्सों में टूटता है तो क्या लगता है? मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 v1 m2 v2, ये पहला स्टेप होगा इसमें। जब भी वो ऐसी बात करेगा ना, अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, बाकी टुकड़ा इधर चला गया, मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो न्यूक्लियस है और वो डिके कर रहा है, अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, लैम्डा गिवन है, इफ द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस भी गिवन है एंड दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल भी गिवन है, फाइंड टोटल एनर्जी इन द फाइनल स्टेट, हेंस ऑब्टेन मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस इन द एएमयू। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये डायग्राम से समझ में आएगा। एम कोई पार्टिकल या न्यूक्लियस रेस्ट पे है, इसमें से क्या निकला? अल्फा पार्टिकल निकल गया, ये निकल गया अल्फा। अल्फा अगर राइट निकला तो डॉटर न्यूक्लियस लेफ्ट निकली। तो ये रहा आपका पहला कॉन्सेप्ट। तो ये तो लगना ही लगना है। तो अगर ये रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम अगर इधर का P1 है, इसका इधर का P2 है, तो मैग्नीट्यूड P1 P2 का बराबर रहेगा, क्योंकि P1 is equal to P2, m1 v1 is equal to m2 v2 का फॉर्मूला तो लगेगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करना है आपको? क्या गिवन है आपको? आपको इसमें ये गिवन है कि न्यूक्लियस एट रेस्ट एक अल्फा पार्टिकल निकालता है जिसकी वेवलेंथ पता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ पता है, अगर मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस भी पता है और अल्फा पार्टिकल भी, तो यानी कि इसका और इसका दोनों का मास पता है, तो आपको क्या निकालना है? टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो p²/2m है, सबको पता है। मोमेंटम की फॉर्म में ½mv² तो लगेगा नहीं, p²/2m तो लग ही सकता है। तो मैं p1 p2 निकाल लेता हूं। कैसे? मेरे को पता है p1 p2 के बराबर है, मेरे को पता है कि इस टुकड़े का मास m1 है, इसका m2, और मुझे दोनों मासेस क्वेश्चन में गिवन है, amu में मैंने kg में कन्वर्ट कर लिए। मुझे यह भी पता है अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली की वेवलेंथ आपको पता है, डी ब्रोगली का फॉर्मूला हमने किया हुआ है p2 का h/λ। तो समझो p2 आ गया, भाई p2 आ गया तो p1 भी आ गया, p2 p1 तो बराबर ही है, p2 और p1 बराबर है, क्योंकि इधर और इधर जाने का मोमेंटम तो सेम ही है। p2 p1 बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी p1 की क्या होगी? p1²/2m1, और सेकंड की क्या होगी? p2²/2m2, और दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी आ गई, बात खत्म हो गई। बेसिक कांसेप्ट एक ही है कि p की वैल्यू दोनों की सेम है और p निकालने का फॉर्मूला λ/h/λ है, बस वहां से सब कुछ हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या इसमें लॉजिक लग रहा है? एक ना रेडियो एक्टिविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मुझे पता नहीं वो अब आएगा कि नहीं आएगा, ये आप नोट ही कर लेना। ये शायद किया भी था, NCERT में करवाया था मैंने, कि अगर एक रेडियो एक्टिविटी होने में T1 टाइम लेती है, हाफ लाइफ पीरियड T1 है, और अगर दूसरी रेडियो एक्टिविटी का हाफ लाइफ पीरियड T2 है, और एक अगर इकट्ठी अफेक्टिव टाइम पीरियड क्या होगा, ये फॉर्मूला नोट कर लें। 1/T, 1/T1, 1/T2, बाई चांस अगर आ जाए, वैसे आए ना आए मुझे पता नहीं है, और लैम्डा के केस में ये नोट कर लें, क्योंकि 1/T और लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा 1 + λ² होता है। तो अगर दो रेडियो एक्टिविटी चल रही है α1 α2 पे, और इफ अफेक्टिव लैम्डा निकालना है तो ऐड कर दें, और टाइम पीरियड निकालना है तो रेसिप्रोकल ऐड कर दें। बहुत बार आता है ये पेपर में डायरेक्ट। तो नेक्स्ट इसमें ये देखो आया हुआ है, देखो रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ पीरियड 600 है और दूसरे का 300 है, अफेक्टिव क्या होगा? अफेक्टिव निकाल देना आंसर, तो ये रिजल्ट काम आएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ड्यूअल नेचर का है, ये एटम का नहीं है, वो आ गया ना, फोटो इलेक्ट्रॉन पे आएगा, मिक्स्ड है क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है? अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर एंड इंटेंसिटी गिवन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द फोटोसेंसिटिव मेटल। तो ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, और वेवलेंथ भी गिवन है। इफ 1% ऑफ द इंसिडेंट फोटोन्स प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन, कह रहे हैं सिर्फ 1% ही तो फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बाकी तो खराब हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इतने एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन निकले ये बताओ। तो सबसे पहले काम करते हैं, इंटेंसिटी गिवन है और वेवलेंथ गिवन है। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या किया था? इंटेंसिटी थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटोन्स, एन मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स है, एक फोटोन की एनर्जी क्या? h/λ। तो टोटल एनर्जी क्या? n × h/λ बाय एरिया, तो एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वेयर एन इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, फोटोन नहीं है, फोटोन्स पर सेकंड है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंटू टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, टोटल एनर्जी पर सेकंड आ गई, पावर आ गई, पावर बाय एरिया इंटेंसिटी आ गई।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने पहले एन निकाल लिया, तो इतने एन, इतने फोटोन गिरेंगे एक सेकेंड में, आंसर आ गया। लेकिन वो ये कह रहा है इतने फोटोन में से 1% ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं, बाकी फोटोन तो खराब है, तो इसका क्या कैलकुलेट किया, 1%, तो इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये आंसर है। तो मेथड समझ में आ रहा है, तो पहले इंटेंसिटी का क्या रूल है इसमें, इंटेंसिटी से ये नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे वहां से आंसर आएगा। अपने एनसीईआरटी के असाइनमेंट पता नहीं आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, एस एल अरोड़ा की जो मैंने सारी डिस्कस की थी वहीं के न्यूमेरिकल हैं ये सारे। आप मुझे नहीं तो पेपर कैसे देते हो मॉडर्न फिजिक्स के, पर आपको ये करना चाहिए सारा, तो ये वहीं से बेसिकली चीजें वहीं से आ रही हैं, कोई नई चीज नहीं करवा रहे इसमें। जैसे फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ टू, इंटेंसिटी बढ़ गई यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, फोटॉन्स बढ़ गए, इंटेंसिटी बढ़ गई, नंबर ऑफ फोटोन डबल हो गए, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, एक फोटोन की एनर्जी डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, इंटेंसिटी भी बढ़ गई। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें क्या होगा। चलो पहले डिस्कस करते हैं, ये बताओ ऑप्शन बाद में देखते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या रोल होता है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है, ये हमने ये आइंस्टाइन की इक्वेशन की थी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो ये फैक्टर डबल हो जाएगा, तो ये थोड़ी ना डबल होगा, ये बढ़ जाएगा पर ये डबल नहीं हो सकता, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, डबल नहीं लिखना, तो ऑप्शन में इंक्रीज लिखना, डबल नहीं लिखना, पहला पार्ट। और नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा गिरने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो है क्या लेना देना है, शुरू में इंक्रीज होता है और बाद में क्या हो जाता है, कांस्टेंट, करंट का लेना देना है, सॉरी एनर्जी का लेना देना नहीं है, वो करंट पूछ रहा होगा तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने बताया था वो लीनियर ग्राफ आता था, तो करंट बढ़ेगा अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, तो अगर इंटेंसिटी डबल होगी, नंबर ऑफ फोटॉन डबल होंगे तो इंटेंसिटी डबल होगी, करंट भी डबल होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी, ठीक। जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम भी बहुत आती है, नेक्स्ट वाली, ये वाली देखो, गिवन दैट फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन एंड एनर्जी इक्वल टू इतना गिवन, तो फोटोन की वेवलेंथ भी गिवन है और फोटोन की एनर्जी भी गिवन है, तो फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन एंड एनर्जी इक्वल टू, ना भी देता तो मैं निकाल ही लेता एच सी वाई लैम्डा से, चलो व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन एंड इंटेंसिटी आई नॉट फॉल्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सेचुरेशन करंट 0.14 × 10⁻⁶ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, वर्क फंक्शन निकालना है। बहुत सारी चीजें इकट्ठी सी दे रखी हैं इसने, दो केसे दे रखे हैं ऐसा लगता है, पहले वेवलेंथ कितनी है 1000 है, फिर वेवलेंथ कितनी है 5000 है, 10000 है, सॉरी 10000 और 5000 है, पहले 10000 है फिर 5000, आधी होगी वेवलेंथ, ये एनर्जी उसकी तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन की तो नहीं है, काइनेटिक में कोई इलेक्ट्रॉन की लग रही है, वो फोटोन की क्यों देगा, जब लैम्डा ही दे दिया तो एच सी वाई लैम्डा से वैसे ही पता है एनर्जी क्या होती है फोटोन की, मेरे को लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, हैज एनर्जी इक्वल टू 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक बार चेक कर लूँ, एक मिनट, एक सेकेंड, एनर्जी ऑफ इतने, एनर्जी डबल नहीं यार, ये तो उसी की ले रहा है, इलेक्ट्रॉन की नहीं ले रहा, ठीक है चलो फिर कर दो, ठीक है, मतलब दिया क्यों, मैं तो ये सोच रहा हूँ वो तो एच सी वाई लैम्डा से मैं वैसे भी निकाल ही लेता, मे भी कैलकुलेशन बचा रहा होगा, फिर और तो क्या ही है कि स्टूडेंट कहाँ एच सी वाई लैम्डा से पहले वैल्यू निकाल देगा, उसने कहा सीधा ही ले लो 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर एक 10000 वेवलेंथ 10000 है, 10000 से 5000 हो गई वेवलेंथ आधी हो गई, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, तो एनर्जी डबल हो गई, एच न्यू वेवलेंथ आधी होगी, फ्रीक्वेंसी डबल होगी, एनर्जी डबल हो गई, तो अगर 10000 के कॉरस्पॉन्डिंगली एनर्जी 1.23 है तो 5000 के कॉरस्पॉन्डिंगली डबल कर दो, शायद इसलिए दे रखा है, कैलकुलेशन चेक कर रहा है आपकी वो, ताकि एच सी वाई लैम्डा से सॉल्व ना करें, ठीक है बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो दो, पहला केस इसमें क्या बनेगा, फॉर्मूला तो पता ही है, एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन क्या होता है, ई वी नॉट। अब इस केस में क्या गिवन है आपको, वो कह रहा है कि दूसरे केस में, केस नंबर टू में, जब 5000 एंगस्ट्रॉम हो चुका तो हमने एनर्जी तो पता लगी गई, तो वो कह रहा है कि सैचुरेशन करंट इसके इक्वल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये रहा, वर्क फंक्शन देखो करंट का तो हमने क्या ही करना है,
हमें वर्क फंक्शन निकालना है और हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, तो ठीक है ना, एनर्जी मुझे पता लग गई, वर्क फंक्शन मुझे निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे को दिया हुआ है, तो करंट का मैंने करना क्या है, आंसर आ गया, वर्क फंक्शन आ गया। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन का मतलब यही था कि वो एनर्जी को डबल करना चाहता था, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन है, ये आप होमवर्क है। ये इस टाइप के बहुत आते हैं यार, ये टाइप के बहुत न्यूमेरिकल्स हैं इसके। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या गिवन है? मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर गिवन है। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बाय 3 को इंसिडेंट कर दिया जाएगा तो मैक्सिमम एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या निकालना है? वर्क फंक्शन निकालना है। दो इक्वेशन बना लो ना, पहली इक्वेशन एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एनर्जी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड केस में लैम्डा लैम्डा बाई 3 है और एनर्जी क्या हो गई? 4 टाइम। इन्हें सॉल्व करके वर्क फंक्शन निकालना है, तो कर लेना इसे आप, यहाँ से इसको 3 को ऊपर लेके जाओगे तो ये इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से काम करना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको क्या गिवन है? ये गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको लिखो 4 × 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे एक ही बात है। तो इस पूरे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू रिप्लेस कर दो, ये स्टाइल है काम करने का। डिवाइड कर दो तो भी एक ही बात है, डिवाइड कर दो तो भी एक ही बात है। आप इक्वेशन को डिवाइड ही कर देना 1 और 2 तो भी यही आंसर आएगा, यहाँ से वर्क फंक्शन आ जाएगा। सॉल्व आपने करना है। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? मिलता जुलता क्वेश्चन जैसे ये रहा, रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू आर इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मेटल, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज ई। सेम केस है, वो कह रहा है ई एनर्जी है। व्हेन फ्रिक्वेंसी इज डबल्ड, फ्रिक्वेंसी डबल करेंगे तो एनर्जी क्या होगी ये बताओ। तो ये देखो ना, ये इक्वेशन है, जब एनर्जी ई है तो फ्रिक्वेंसी न्यू है, फ्रिक्वेंसी डबल कर दी तो एनर्जी क्या हो गई? ई डैश। ई डैश और ई का रिलेशन निकालना, निकाल लेना, माइनस कर लेना, वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, ई डैश ई का रिलेशन आ जाएगा। ठीक, जैसे ये देखो, इनइक्वालिटी में मेंस में आता है ज्यादा, नीट में नहीं आता, नीट में वो आते हैं, नीट में दोनों में आते हैं। ये थोड़ी इनइक्वालिटी मेंस वालों को पूछ सकते हैं क्या? लेट के वन बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1, और के टू जब लैम्डा 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2 में रिलेशन गिवन है तो ऑप्शन मार्क करना है काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। बना लो दो इक्वेशंस। पहली इक्वेशन क्या है? जब आपकी एनर्जी के वन है तो लैम्डा है, लैम्डा 1 है, जब लैम्डा 1 बाई 2 है तो एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी के 2 है। तो दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। इक्वेशन नंबर 1 से एच सी बाई लैम्डा 1 क्या आएगा? के 1 प्लस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो आप एक काम करें, इक्वेशन नंबर 2 में 2 ऊपर ले जाएं, क्या बचेगा? एच सी बाई लैम्डा 1, इस पूरी टर्म को, एच सी बाई लैम्डा 1 वाली पूरी टर्म को उठा के इसकी जगह रिप्लेस कर दें। रिप्लेस कर दिया तो ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, इसे ओपन कर लिया, ओपन करके ये टर्म आ गई। अब साफ पता लग रहा है के टू की वैल्यू 2K1 से तो बड़ी होगी बाय वर्क फंक्शन, तो के टू ग्रेटर देन 2K1 है, ये आंसर है। इनइक्वालिटीज ऐसे निकलेंगी। करना वही काम है, दो ही क्वेश्चन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना, जैसे मर्जी करो, पर तरीका बता रहा हूँ कि जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अंदर एनोड वोल्टेज ऑफ फोटो सेल इज केप्ट फिक्स्ड, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड इज ग्रेजुअली चेंज्ड, लैम्डा बढ़ा रहे हैं तो प्लेट करंट आई ऑफ द फोटो सेल क्या होगा? भाई जब तुम लैम्डा बढ़ाओगे, है ना, जब तुम लैम्डा की, इसमें करंट निकालना है ना, नहीं फोटो सेल तो है ही नहीं सिलेबस में हमारे, वैसे फोटो सेल तो हट गया ना, फोटो सेल वैसे हट गया, पर वैसे इसमें ये थोड़ा कर तो रखा है, बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि ना आपको याद ही करना पड़ेगा करंट डिक्रीज होगा, क्योंकि जब लैम्डा को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी कम है तो कमज़ोर फोटोन के रहेंगे, तो कमज़ोर फोटोन में अगर इतना कमज़ोर हो गया थ्रेशोल्ड को क्रॉस ही ना कर पाया तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा करंट, तो डिक्रीज ही होगा ना यार, बढ़ेगा कैसे? लैम्डा बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी कम करने से करंट कैसे बढ़ेगा? करंट तो डिक्रीज होता होता, जीरो चला जाएगा एक दिन, ऐसा होगा नहीं, इंक्रीज होगा नहीं, तो एक ही आंसर है। वैसे फोटो सेल की करेक्टरिस्टिक्स हमने की नहीं है, जैसे ये होमवर्क है आपका सारा,
ये छोड़ने वाली बात नहीं है इसमें कुछ भी, ये लो। 14th, ये करना है, ये सारा घर जाके अपने साथ ट्राई करने हैं क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, इसको ट्राई करते जाना। तभी मैंने साथ साथ दिए हैं, प्रिंटआउट दिए हैं आपको करने के लिए। बहुत वैरायटी है यार, खत्म नहीं होगी आज, मैं बता रहा हूँ आपसे, इतनी तेज बोलने में भी नहीं होगी। अभी तो प्रीवियस ईयर पे पहुंचा ही नहीं। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन। ध्यान से भाई, एक फोटोन एक प्रोटोन, लगते भाई भाई हैं, फोटोन प्रोटोन दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है फोटोन का फॉर्मूला, याद है फोटोन की थ्योरी करवाई थी ड्यूल नेचर में, फोटोन एच बाई पी होता है, या ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बुक चेक कर लेना, एच बाई पी, और पी क्या होता है फोटोन का, फोटोन के लिए ई बाई सी। तो ये फॉर्मूला नोट करने हैं आपने। तो लैम्डा का फॉर्मूला एच अपॉन एम सी, ये भी किया था वैसे अगर आपको याद हो तो। फोटोन और प्रोटोन, देखो प्रोटोन का तो पता है डी ब्रॉगली का रिलेशन लगेगा प्रोटोन में, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन में तो दिक्कत ही नहीं है। एच बाई पी, पी का मतलब मोमेंटम है, एनर्जी की फॉर्म में आ गया, तो ये तो क्लियर ही है। फोटोन का ये फॉर्मूला किया था अगर आपको याद हो, पी इज इक्वल टू ई बाई सी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो मोमेंटम क्या होता था एम इंटू सी, याद है डी ब्रॉगली और सब किया था। तो लैम्डा क्या होता है एच बाई, तो ये भी लैम्डा होता है, ठीक है। तो लैम्डा की मतलब आप चाहो तो यहां से ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, जो मर्जी कर लो, ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए। फोटोन के अलग फॉर्मूले हैं, प्रोटोन के अलग हैं, पर वो कह रहा है कि दोनों का लैम्डा एग्जैक्टली सेम है। हाँ तो दोनों का सेम है तो होने तो सेम, तो यहाँ पर इक्वेट डिवाइड कर लेना, लैम्डा वन बाय लैम्डा टू की ये टर्म आएगी, और लैम्डा वन लैम्डा टू इनवर्सली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर माइनस हाफ हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी, यही तो बतानी है प्रोपोर्शनैलिटी क्या है इसकी, फॉर्मूला पता है तो ये हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ये तो नहीं करना, सेकंड टू पार्टिकल्स सेम मास एंड मूविंग एट राइट एंगल टू ईच अदर हैव डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। तो एक पार्टिकल इधर, एक परपेंडिकुलर, तो दोनों की वेवलेंथ क्या है लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम रेफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस से क्या आंसर होगा, ये तो इंडिविजुअल वेवलेंथ है, सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा है पहले ये तो देखो, पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करना पड़ेगा, पहला पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है मान लो आई कैप में, और दूसरा कैसे मूव कर रहा है मान लो जे कैप में, तो इनका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एम वन वी वन वेक्टर एम टू वी टू वेक्टर बाय एम वन प्लस एम टू, मास तो बराबर ही है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। तो पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा, आपको लैम्डा वन क्या पता है एच बाई एम वी वन, लैम्डा टू क्या पता है एच बाई एम वी टू। नेक्स्ट है, अब वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब कि आप विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल लें, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें। तो वी टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वी टू पता है सेंटर ऑफ मास पता है, ये आंसर आ गया। और वी वन में क्या होगा, वी वन में वी वन माइनस सेंटर ऑफ मास, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब वो कह रहे मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे, चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। तो ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गई सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में। अब मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इसका मैग्नीट्यूड, तो सॉल्व करके आपके पास के मोमेंटम आएगा, तो मोमेंटम की वैल्यू एम को अंदर ले जाओ तो ये टर्म आएगी, तो नेट मोमेंटम क्या आएगा, नेट मोमेंटम आ रहा है पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर बाय टू। अब मोमेंटम की वैल्यू पी वन हम निकाल चुके हैं एच बाई लैम्डा वन, पी टू एच बाई लैम्डा टू, पी का मतलब एच बाई लैम्डा, आपको लैम्डा निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, याद कर लो भाई फॉर्मूला, टू लैम्डा वन लैम्डा टू बाय अंडर रूट ऑफ लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर। वैसे मेडिकल में तो आता है नहीं, है नॉन मेडिकल वालों में तो आया हुआ है ये क्वेश्चन, कहीं मैंने देखा है, तो मैंने बता दिया कि ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, थोड़ा लंबा है उस टाइम करना मुश्किल हो जाएगा, देख रखा हो तो कम से कम मार्क तो कर ही सकते हो कि क्या आंसर है इसका। तो आइडिया समझ में आ रहा है, सोल्यूशन आपके पास मैंने लिख के दे दिया हुआ है, आपके पास हैंड रिटन इस सबके प्रिंटआउट्स हैं, जो ऑनलाइन है वो प्लीज़ अपने प्रिंटआउट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। अब जैसे ये देखो, एक ये क्वेश्चन है, ये देखो फिर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है, ये मेडिकल वालों को कम आती है, आएगी नहीं, नॉन मेडिकल में आती है ज़्यादा। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक्स अ फोटोसेंसिटिव सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को टू ई कर दूं तो वेवलेंथ लैम्डा डैश है, इस बार लैम्डा डैश और लैम्डा की
रिलेशन की वैल्यू बतानी है। करना तो कुछ नहीं है, दो ही तो इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन बना लेना। पहली इक्वेशन है एच सी बाई लैमडा माइनस वर्क फंक्शन ई है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एच सी बाई लैमडा डैश माइनस वर्क फंक्शन टू ई है। दो इक्वेशन है, मैथ्स आपको आता है, इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है। तो यहां से जैसे मैंने क्या किया, वर्क फंक्शन निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से भी वर्क फंक्शन निकाल लिया, ठीक, दोनों वर्क फंक्शन को इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके मैंने इनइक्वालिटी निकाल ली। मैथ्स के लोग कर, मेडिकल में नहीं आएगा प्लीज, मैथ्स के लोग ऐसा कर सकते हैं, वर्क फंक्शन इक्वेट करके आ, तो एक आंसर आया, आधा आंसर आया ये, क्योंकि इनइक्वालिटी लैम्डा और लैम्डा डैश की और लैम्डा डैश लैम्डा बाई टू की भी गिवन है पेपर में, अगर आप चेक करोगे। तो यही ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन देखो जरा क्या है, ऐसी ऑप्शन है। तो एक इनइक्वालिटी को आपने निकाल ली, तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाली टर्म हो नहीं सकती, लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा इन दोनों में से होगा। अब लैम्डा बाई टू का रिलेशन निकालना पड़ेगा, इसके लिए क्या किया, इक्वेशन नंबर वन में से ई को निकाल दिया, इक्वेशन नंबर टू में जो ई है, टू का जो ई है वहां पे पुट करके ये आंसर आएगा। सो इनइक्वालिटी मैथ्स वाले सॉल्व करेंगे। जब मैं हिंट दे रहा हूं कैसे साइमल्टेनियसली एक दूसरे के अंदर वैल्यू पुट कर करके इनइक्वालिटीज आएंगी, ये नॉन मेडिकल वालों का काम है, उनको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है। लैम्डा लैम्डा डैश से, हाँ कर सकते हैं, अगर हो रहा है तो कर दो। लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा डैश आ गया, तो लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा डैश आ गया, हाँ तो सी ठीक है, फिर आंसर आ गया ये, ठीक है डी हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है सेकंड पार्ट। फिर अब बात हो गया, लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा डैश आ गया, डन, क्लोज कर दो इसे, डी ऑप्शन। जब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि कहीं मतलब, अच्छा चलो ऐसे इसलिए दे रहा हूँ कि आप तक कोई स्टूडेंट ये पहले कर दे, कि आप तक ये पहले कर दे, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आएगा ना, इनइक्वालिटी है। जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को करने हैं। तो मेरे ख्याल से ये इनइक्वालिटीज वाली प्रॉब्लम, ये होमवर्क नोट करेंगे मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल वाले सॉरी, ये भी, ये मेडिकल का नहीं है प्लीज, नॉट फॉर मेडिकल लिख लेना, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये एक बार देख लेते हैं, हाँ ये देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ फोटोन्स दैट स्ट्राइक पर सेकेंड ऑन अ टोटली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन सो दैट फोर्स 1 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन द स्क्रीन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट। कह रहे जी स्क्रीन के ऊपर ना फोटोन गिर रहे हैं, पाइप में से फोटोन गिर रहे हैं, तो आपको बताना है कितने फोटोन गिर रहे हैं। अगर फोर्स यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर क्या लग रही है, 1 न्यूटन लग रही है, तो ये फोटोन आ रहा है विद द मोमेंटम पी, फोटोन 30 डिग्री पे आ रहा है, तो 30 डिग्री मोमेंटम के तो कॉम्पोनेंट है, पी कॉस 30, पी साइन 30, तो ये रहा मोमेंटम, ये फोटोन है। अब स्क्रीन, ये स्क्रीन है, यहाँ से टकरा के फोटोन रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा है, तो मोमेंटम की वैल्यू फिर से 30 क्या होगी, पी कॉस 30, पी साइन 30, तो पी कॉस 30 दो बार आ गया, तो पी साइन 30 जो है वो ऑपोजिट है, तो नेट मोमेंटम जो है एक जो ऑपोजिट है, तो फाइनल माइनस माइनस इनिशियल, क्योंकि डायरेक्शंस ऑपोजिट है, हमने किया था फोर्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन, तो नेट मोमेंटम आ गया, नेट मोमेंटम की वैल्यू पी आ गई। अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हो गई, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब इसके अंदर आपको क्या निकालना है, आपको एन निकालना है। अब आपको ये पी, तो अब सिंपल ऐसे कर लो, फोर्स आपको पता है, फोर्स आपको पता है, मान लो एन का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पर पर सेकेंड इंटू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, टाइम की जरूरत नहीं है, टाइम तो मैंने वन में इंक्लूड कर ही दिया, बस यहाँ से फोर्स 1 न्यूटन पता है, यहाँ से आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत क्या है इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस लॉजिक को लगाना है आगे, फोर्स की प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है, फोटोन्स की प्रॉब्लम इसमें कम लग रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं इसे, एन आ जाएगा। देखो आ गया ना क्वेश्चन ये रहा, When a metal material is excited by fast-moving electrons, wavelength k alpha, k beta, l alpha, तीनों की wavelength given है, relation निकालना है क्या है? X-ray की problem है, जिसको नहीं पढ़ रखा वो solve भी नहीं कर पाएगा इससे। हमने formula किया, check कर लो, यही formula किया था ना, हमने lambda का formula किया था X-ray में, lambda को उसने क्या put कर लिया, C by, उसमें nu को क्या, energy का difference h nu, nu is equal to C by lambda. तो आपको ये पता होना चाहिए के अल्फा का मतलब कब है, एल और के की ट्रांजिशन है, के बीटा क्या है, एम और के की ट्रांजिशन है, एल अल्फा का मतलब क्या है, एम और एल की ट्रांजिशन है। इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके रिलेशन आएगा, नहीं सॉल्व करना, ये स्टैंडर्ड रिलेशन फॉर्मूला में मार्क करो, ये फॉर्मूला बुकलेट में लिख लो कि के अल्फा के बीटा इज, और ये जो रिलेशन है ये रिलेशन मार्क करो, ये करेक्ट रिलेशन ये मार्क कर लो, सीधे मार्क कर देना, क्योंकि एक्सरे की तो 3 स्टैंडर्ड है ना, चेंज तो होना ही नहीं है ये क्वेश्चन,
तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, स्टैंडर्ड आंसर है इसका। मैं आपको बता रहा हूं कि थ्योरी क्या रेफर की जा रही है इसमें। ठीक है, तो ये कहां से आ रही है थ्योरी, एक्सरे से आ रही है ये बता रहा हूं, वहां से कैसे फॉर्मूले बने और कैसे आंसर आया ये भी बता दिया। इसमें ना ये क्वेश्चन है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, यही क्वेश्चन आता ही है ये एक्सरे के अंदर, बस स्टैंडर्ड है, उनको मनपसंद क्वेश्चन है और ये हर बुक में मिलेगा आपको। क्या द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे फ्रॉम कूलिज ट्यूब इज प्लॉटेड अगेंस्ट द वेवलेंथ लैम्डा। एक्सरे की इंटेंसिटी और लैम्डा का ग्राफ है ये, करैक्टरिस्टिक एक्सरे है ये। मिनिमम वेवलेंथ इज फाउंड टू बी लैम्डा सी, तो कम जो हमारा ग्राफ था ना, अगर आप चेक करो थ्योरी में, वो यहां से स्टार्ट था। इसने कहा ये मेरा ग्राफ यहां से स्टार्ट है, कोई बात नहीं। मिनिमम वेवलेंथ क्या है इसकी एक्सरे की, लैम्डा सी है। एंड वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एंड के एल एंड वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइंस इज लैम्डा के। एज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज, अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊं पीछे से और बम्बार्टमेंट तेज करूं, तो उस केस में कह रहा है कि क्या लैम्डा लैम्डा का जो ये जो वैल्यूज हैं ये इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, आपको बताना है। इसमें ना ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने एक्सरे में लिखा नहीं थ्योरी में, ये नोट कर लो। किसी भी उसमें जब पहला रिजल्ट ये है कि लैम्डा मिनिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये मैंने करवाया था, वोल्ट ईवी इज एच सी बाय लैम्डा ऐसा कुछ, तो लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको, वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर लैम्डा सी मिनिमम है, जब मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो लैम्डा सी मिनिमम क्या होगा, डिक्रीज। तो मिनिमम वोल्टेज जो मैं बताई थी ना, मिनिमम जो लैम्डा होता है वो क्या हो जाता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। वोल्टेज बढ़ेगी तो लैम्डा मिनिमम कम होता जाएगा, तो लैम्डा मिनिमम कम होता जाएगा। एक चीज याद रखना, लैम्डा के इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये रूल है, लैम्डा के कभी चेंज ही नहीं होता। जो के शेल की जो एक्सरे होती है ना, उसका लैम्डा कभी मिनिमम चेंज हो सकता है, के लैम्डा अपनी जगह से नहीं हिलता कभी भी, ये रूल एक्सरे का। तो बस हो गया आंसर, लैम्डा के हिलेगा नहीं, लैम्डा सी क्या होगा, कम हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने से ये टर्म कम हो रही है, तो डिफरेंस क्या है, बढ़ेगा। बस ये अगर नहीं पता ना, ये वाला दो कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो ये रूल है, लैम्डा के को कभी नहीं हिलाना, लैम्डा मिनिमम को हिलाना है बस, उससे डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक है यहां तक, तो एक्सरे का रूल है ये, कहां से इतनी डीप में तो पढ़ा नहीं हमने, तो हमने क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट को याद ही करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे कौन सा लैम्डा वाला, ये ना फैक्ट याद करना है, लैम्डा सी लैम्डा मिनिमम वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो लैम्डा सी कम होगा, लेकिन ये हिलता ही नहीं कभी भी लैम्डा के कौन, तो इनका अगर ये कम होगा तो डिफरेंस बढ़ेगा, इंक्रीज है। ये देखो, इट इज फाउंड दैट इफ न्यूट्रॉन सफर्स एन इलास्टिक कोलिनियर कोलिजन विद ड्यूटेरियम एट रेस्ट। टक्कर हो रही है भाई, कोलिजन की प्रॉब्लम बन रही है, दो पार्टिकल की टक्कर है, तो इसमें न्यूट्रॉन टक्कर मारेगा किसे, ड्यूटेरियम को एट रेस्ट पे। फ्रैक्शनल लॉस ऑफ इट्स एनर्जी इज पी ऑफ टी, वाइल फॉर सिमिलर कोलिजन विद कार्बन न्यूक्लियस एट रेस्ट फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी इज पी सी। पी सी पी डी निकालो, पी सी और पी डी निकालो, क्या होगा, एटम की प्रॉब्लम कम, कोलिजन की प्रॉब्लम ज्यादा, है ही कोलिजन। तो कोलिजन में पहली कोलिजन किसकी है, पहली कोलिजन न्यूट्रॉन की और ड्यूटेरियम की। अब पहला स्टेप ये, ड्यूटेरियम का मास न्यूट्रॉन से डबल है ये याद रखो, फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, इसकी रेस्ट पे है, इसकी वी वन होगी, इसकी वी टू होगी। तो या तो वी वन वी टू के बड़े बड़े फॉर्मूलाज लगाओ, करवाए थे ना इलास्टिक कोलिजन में, या फिर नहीं या तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ पहली इक्वेशन और रेस्टिट्यूशन लगा लो इज इक्वल टू वन, तो यहां से सॉल्व करके वी टू वी वन निकालो, वैसे वो ज्यादा बेटर है, बड़े बड़े फॉर्मूला लगा दो वहीं से वी वन वी टू आ जाएगा। वी वन वी टू आ गया, फिर फ्रैक्शनल चेंज निकाल लो। फ्रैक्शनल चेंज में क्या है, इसकी जो वी वन की वेलोसिटी है इनिशियली क्या थी, इसकी वेलोसिटी पहले वी नॉट थी, फिर वी वन क्या आ गया, वी नॉट बाई थ्री आ गया बैकवर्ड, तो लॉस कितना हुआ इसका, लॉस निकाल लेना, ये आ गया आपके पास पी ऑफ टी आ गया। फिर सेम प्रॉब्लम करो किसकी, न्यूट्रॉन की और कार्बन की, 12 टाइम मास है,
सेम प्रॉब्लम है, V1 V2 निकाल लो, एनर्जी लॉस निकाल लो, PC, ये उन टाइप का क्वेश्चन है जब 2018 में शायद आया है, बड़े क्वेश्चंस आते थे, अभी नहीं आते ऐसे, पर हो सकता है आपको काट के एक पार्ट दे दे इसका, एक ही टक्कर दे दे फिर तो। ये प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना, ये बहुत लंबे तरीके से किया मैंने, V1 V2 के बड़े बड़े फॉर्मूला लगाओ और फिर एनर्जी लॉस निकाल लो। हाँ मैंने लिखवाया था एनर्जी लॉस, परसेंटेज एनर्जी लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला करवाया था, मुझे याद नहीं, 4K/1+K² लगा सकते हो, ऐसे तो याद है मुझे, 4K/वर्क एनर्जी पार की शीट में था, 4K/1+K² लिखवाया था वैसे मैंने फॉर्मूला बुकलेट में, आपको लगा सकते हो, 1 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी रहने देते हैं, ये देख लेते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगली आयनाइज्ड एटम इज 2.2 टाइम्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम। केमिस्ट्री की प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है मुझे, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम में 2.2 टाइम्स ज्यादा है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द हीलियम एटम कंप्लीटली क्या है, ये आंसर है। देखो पहले लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक ये है कि सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, हाइड्रोजन लाइक के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो एन की वैल्यू अगर हम 1 करें आयनाइजेशन के लिए, 1 से उठा के फेंकना है इन्फिनिटी तक, और जेड को 2 पुट करें हीलियम के लिए, तो एनर्जी कितनी है, -54.4। तो यानी कि मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को सिंगली आयनाइज हीलियम एटम के लिए, 54.4 पॉजिटिव। ये तो ट्रांजिशन की एनर्जी है वो फॉर्मूले से, पर मेरे को तो उठा के बाहर फेंकना, आयनाइज करना है, तो मेरे को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि प्रॉब्लम ये है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये सिंगली आयनाइज्ड है। अब वो कह रहा है हीलियम एटम से एक्स है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एनर्जी है सिंगली आयनाइज्ड की वो 2.2 टाइम्स इस एनर्जी के इक्वल है, तो यहां से पहले तो एक्स आ गया, तो एक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको आयनाइज करना है हीलियम एटम को, सिंगली आयनाइज्ड की एनर्जी तो आपने ऑलरेडी निकाल ली 54.4, अब आपने इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी भी निकाल ली, ऐड करके आंसर आ गया। मुझे नहीं पता आप केमिस्ट्री में करते हैं नहीं करते, करते हैं ऐसा कुछ, थोड़ा करते हैं, वो थोड़ा नहीं है, मेन वाला तो पूरा ही पूछ लिया। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि कैसे क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, आयनाइजेशन के ऊपर एनर्जीज के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, जैसे अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई व्हिच मूव अवे विद वेलोसिटी इन द रेशियो 8:27। टूट गया ना रेस्ट पे, तो m1 v1 m2 v2 कह रहा है जी, एक पार्टिकल टूटा, एक v1 के साथ गया, एक v2 के साथ गया, दोनों की वेलोसिटी रेशियो उसने दे दी, रेशियो ऑफ न्यूक्लियस निकाल दो। रूल नंबर 1, जब टूट के दो हिस्से बनेंगे तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, m1 v1 m2 v2 तो होगा ही, तो m1 / m2 v2 / v1 तो होगा ही। यहां से आपको v1 / v2 गिवन है, तो यहां से m1 और m2 की रेशियो आ गई, पर आपको तो r की रेशियो निकालनी है, तो लिख लो ना मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, r की रेशियो आ गई। देखो कहां से उसने मोमेंटम कंजर्वेशन से उठा के रेडियस की रेशियो पूछ ली, है कि नहीं क्वेश्चन। तो ये जो शीट्स हैं सारी वो एनसीईआरटी से बिल्कुल हटके हैं, देखो आपकी लाभ का लक है, एनसीईआरटी में आ गया, फिर जो मैंने बुकलेट दे रखी है बुकलेट नंबर 4 वो तो करनी है, पहले बुकलेट 4 मिल गई ना सबको, बुकलेट 4 वो तो करनी है, वो एनसीईआरटी तक है बस, उसमें कंपटीशन का कुछ भी नहीं है, ये टोटल कंपटीशन है, मैंने अलग अलग ही कर दिया, इस बार मैंने मिक्स किया ही नहीं बीच में, बात ही खत्म। नहीं तो कन्फ्यूजन होती है हमेशा ना, तभी तो लेट बुकलेट आई थी इस बार 4th, कि मैं इसको हटा रहा था बीच में से। ठीक है, नेक्स्ट, Both the nucleus and sum of atoms of some element are in the respective first excited states. अब कमाल है, मतलब क्या स्टेटमेंट, देखो कहां से निकाल के लाता है। Both the nucleus and sum of atom of some element first excited state में है। They get de-excited by emitting photons of wavelength lambda n and lambda a respectively. तो रेशियो क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ये तो कोई कर भी नहीं सकता, तो बहुत टफ क्वेश्चन है यार। आपको कि टफ कैसे है यार, बताता हूँ टफ कैसे है। एनर्जी एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है। देखो एनर्जी ऑफ फोटोन जो एटम से निकलती है वो तो फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है। अब खुद अंदाजा लगा रहे हैं स्टूडेंट,
वो तो कम होती है, और जो एन न्यूक्लियस की एनर्जी है वो तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा में 10 की पावर 6 का रिलेशन है, रेशियो 10 की पावर 6 के आसपास आएगी, -6 के आसपास। कर सकते हैं मुझे बताओ? मैं तो नहीं कर सकता। ले तो आया हूँ मैं निकाल के पुराने पेपर्स में से, तो आर्टिकल तो आएंगे ही अगले दिन ट्रिब्यून में कि पेपर मुश्किल लगा लोगों को, मुश्किल तो अपना लगेगा, दे तो कुछ रहा नहीं। अप्रोक्सीमेशन पूछ रहे हैं एनर्जी की, रेशियो की अप्रोक्सीमेशन क्या निकलेगी, मुश्किल है करना। चलो मैंने बता दिया तो ठीक है, रेडियो एक्टिविटी रहने देते हैं। ये देखो, हर किताब में गिवन है यार, ये आया भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। क्यू वैल्यू क्या क्वेश्चन है? डायग्राम शोज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगेंस्ट द न्यूक्लियर मास एम। फिर ग्राफ उसने आपको दे दिया, ए बी सी डी ई एफ सब कुछ दे दिया, कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट न्यूक्लियाई। आपको ये बताना है, इसमें ना क्वेश्चन सही नहीं लिखा, आपको ये बताना है कि ऐसे ना चार रिएक्शन देगा आपको, जैसे ए प्लस बी सी प्लस ई, ई फॉर छोटा ई फॉर एनर्जी रिलीज है, और एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, है ना, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे चार पांच रिएक्शन देगा। पूछेगा कि किसमें ई पॉजिटिव है, किसमें ई पॉजिटिव है। ये बुक्स में बहुत लंबी थ्योरी गिवन है, बट मेरा ये एक मैं इसको ऐसे करता हूं, जब भी कोई स्टेबल न्यूक्लियस बनता है, अनस्टेबल से स्टेबल बनता है, तो उसमें एनर्जी पॉजिटिव है। जैसे ए प्लस बी ने क्या बनाया, जैसे सपोज क्वेश्चन है ए प्लस बी ने सी बनाया, ए प्लस बी ने सी बनाया, जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कम होगी उतनी अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये सब ऊपर वाले स्टेबल है। तो देखो ए प्लस बी क्या बना रहा है, सी, सी तो स्टेबल बन गया ना, तो ए प्लस बी विल गिव सी में एनर्जी पक्का रिलीज होनी होनी है, ठीक है यहां तक। जैसे एफ, एफ ने रिलीज करके सी प्लस डी दे दिया, एनर्जी रिलीज होनी होनी, एफ तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल टूट के क्या बन रहा है, सी प्लस डी, तो साथ में एनर्जी रिलीज होनी होनी है, क्योंकि जब भी स्टेबल बनेगा अनस्टेबल से तो एनर्जी रिलीज होनी होनी है। तो यानी कि जो रिएक्शन यहां ऐड करके ये जा रहा है, ये यहां से छोड़ टूट के ये आ रहा है, उसमें एनर्जी रिलीज होनी होनी है। यानी कि एक प्रोसेस बनेगा फ्यूजन का, इन दोनों को ऐड करके ये फ्यूजन है, और ये टूट के ये जो बनेगा वो फिशन है। तो बस वही ये चेक कर रहे हैं कि आपको फ्यूजन और फिशन समझ में आया कि नहीं आया, दोनों में एनर्जी रिलीज होती है। अब ऑप्शन में देख लेना क्या ऑप्शन बनेंगी, बट इसमें आंसर करेक्ट ये मिलेगा आपको, ए प्लस बी सी और एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी। ए प्लस बी सी स्टेबल बन गया, एफ प्लस ई क्या बन गया, डी, ये भी स्टेबल बन गया। बाकी उल्टे सीधे दे रहे हैं, जैसे दो ऑप्शन और देगा, सी प्लस डी इज इक्वल टू एफ, मतलब ही नहीं है, सी प्लस डी स्टेबल है और अनस्टेबल बन जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसमें एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, निकलेगी नहीं, ऐसा करना। ये पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें हाफ लाइफ है। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 980। रेडियस ऑफ एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस इज ए नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट। आप स्टेटमेंट देखो, लैंग्वेज देखो क्या यूज कर रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है ये, नॉर्मल बातें नहीं कर रहा है ये पेपर में, मैं ये बता रहा हूं आपको, दो बार पढ़नी पड़ेगी स्टेटमेंट। नीट में कोई समस्या नहीं इतनी, नीट नॉर्मल बात करती है, ये इनकी समस्या हो सकती है। तो हाइड्रोजन एटम में इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है, तो इज एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 980। तो फोटोन की एनर्जी क्या है, एच सी बाय लैम्डा, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो गया ग्राउंड स्टेट से। रेडियस ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस ए नॉट क्या होगा। तो रूल नंबर वन, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एटम एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा ने एक्साइटेशन कर दी, एक्साइटेशन की आपने इक्वेशन लगा ली, एच पता है, सी और लैम्डा ये सब पता है आपको, यहां से ग्राउंड स्टेट है तो एन वन वन है, यहां से आपने क्या निकाल दिया, एन टू निकाल दिया, जो कि 4 के आसपास आ गया। रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट क्या होगा, जो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर यानी कि 16 के करीब आंसर आएगा।
मुश्किल है ये पेपर, मुश्किल है। मैं आपको देखो, अगर आप 2000, मैं 2023 भी करवा सकता था वैसे, 2023 का पेपर एक्सट्रीमली इजी है। आप उठा, इसके तो मुकाबले बहुत नीचे हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर खुद कर लेना उसमें, अब पता लग जाएगा, बहुत आसान, एनसीईआरटी बेस्ड किया सच बताऊं मैं आपको। बट फिर भी, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड ऐसा नहीं था, प्रीवियस ट्रेंड ऐसा था, तो मेरा ये बनता है कि मैं आपको प्रीवियस ट्रेंड के साथ तैयारी करवा दूँ। सीबीएसई आ गया फिर तो करी हुई है सीबीएसई, एनसीईआरटी तो आप प्रीवियस ईयर कर ही लोगे, प्रॉब्लम ही नहीं है। ये करने में आपको टाइम लगेगा, और मैं कलेक्शन आपको दे दी सारी शीट्स की, मैंने कुछ नहीं होगा, ये शीट सारी कर लेना, प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के पेपर कर लेना, सफिशियंट है इतने। ठीक, जैसे ये देखो, हाइड्रोजन लाइक एटम में व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एम शेल टू एल शेल, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज लैम्डा। इलेक्ट्रॉन एन से एल जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगी? अब देखो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, एल से एम, एम से एन बोले जा रहा है, नंबर तो दे नहीं रहा। घर से याद करके जाओगे, एम से एन शेल में 2 और 3 को बोलते हैं, एम और एन की ट्रांजिशन लिखवाया भी था ये मैंने शुरू में एनसीईआरटी कराते हुए। ऐसी एन और एल में 2 और 4 की ट्रांजिशन होती है, आप कर लेना सॉल्व। अगर नंबर नहीं आया तो कैसे करोगे? तो ये नोट कर लेना, एल एम एन का मतलब क्या है इसमें। ठीक है, यहां तक ये देखो, पार्टिकल जिसका मास एम है मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड यू। भाई सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब कितना मतलब ढूंढ के लाया वो इसका पर्यायवाची, वो सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड पूछूंगा तो मतलब स्टूडेंट आधा छोड़ ही देगा। पोटेंशियल एनर्जी यू है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसकी ये एनर्जी है। इफ बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन आर अप्लाइड, रेडियस ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट्स ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल वेरी विद क्वांटम नंबर एन एस। देखो सबसे पहला रूल क्या होता है, जब भी एनर्जी यू गिवन हो उससे पहले फोर्स निकलती है, फोर्स होती है सेंट्रिपिटल। तो क्या करना होता है इसमें, एफ इज सबसे पहले माइनस डी यू बाई डी आर करना होता है, ये हमने ग्रेविटेशन के अंदर भी किया था ऐसा। तो यहाँ पे आपने यू को वैल्यू पुट की तो आपने फोर्स निकाल ली, फोर्स ज्यादातर नेगेटिव में आती है, नेगेटिव साइन का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यही सेंट्रिपिटल है। सेंट्रिपिटल के आर क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां से वी और आर का रिलेशन आता है, वी और आर आ गया। तो आपको इसमें निकालना क्या है, आपको इसमें ये निकालना है, रेडियस ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल कैसे वेरी कर रहे हैं, ई और आर का क्या रिलेशन है। तो आपने अभी क्या किया, इसमें वी और आर का रिलेशन निकाल लिया, एम वी आर एन एच बाई 2 पाई है, 1 इक्वेशन को उठा के 2 में पुट कर दिया, आर 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 स्क्वायर हो गया। यहां से आर और एन का रिलेशन आ गया, एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, एनर्जी का ये फॉर्मूला, जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल होती है, लिखवाया था मैंने एनसीईआरटी में, तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 है, पोटेंशियल हमें पता है, तो ये टोटल आ गई। टोटल में आर है, आर प्रोपोर्शनल टू एन की पावर हाफ है, सॉल्व करके आंसर आ गया। भाई मुश्किल पेपरों में से पेपर है ये, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा पेपर, ये पेपर को रेफरेंस मान नहीं सकते आप प्रैक्टिस कर सकते हो इनमें से, बट आपको प्रीवियस ईयर 2-3 साल के पेपर ही करने हैं, तो वो आपका होमवर्क ही होगा, आप एक बार उसको ट्राई करना। ईजी है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस माइंडसेट के आया हूँ, लेके आया हूँ कि एटलीस्ट अगर थोड़ी सी भी हिल गई अगर मॉडर्न, तो आपको मेंटली कम से कम पता होना चाहिए कि ये शीट्स आपको करके जानी है। अभी तो टाइम है, लगा लो 2 दिन, उसमें क्या प्रॉब्लम है, शीट कर लो, हो जाएगी तैयारी। और इसमें है क्या, आधे तो प्रीवियस ईयर ही है, अगर ये कर लोगे शीट्स और प्रीवियस ईयर कर लोगे तो आधे तो प्रीवियस ईयर यहीं से हो गए सॉल्व आपके, बात ही खत्म। ईजी वाले आप कर लोगे, मुश्किल इसमें डाल दिए मैंने, तो हो जाएगा इसमें। जैसे ये तो आसान क्वेश्चन आया हुआ है, बीटा डी के, ये तो ईजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ऐसा नहीं है कि इजी नहीं है, इजी भी है। जैसे ये रहा, हीलियम प्लस आयन इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट्स आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? हमने किया था, आयनाइजेशन एनर्जी निकाली थी एनसीईआरटी में, क्या है इसमें, हीलियम है, हीलियम में क्या होगा, हाइड्रोजन लाइक, गलत कर दिया, हाइड्रोजन लाइक में क्या आएगा, जेड का स्क्वायर भी तो आएगा, करेक्शन कर लो, जेड स्क्वायर भी तो आएगा, तो हीलियम प्लस में जेड क्या है, 2 है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला तो एन की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये भी 2, ये भी 2, आंसर पॉजिटिव करना, आयनाइजेशन है, पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, आता तो ये आंसर आ गया, रेडियो एक्टिविटी है, ये सिंपल है, ये हो जाएगा। ये लो, एन एक्साइटेड हीलियम प्लस आयन एमिट्स 2 फोटोन्स
इन सक्सेशन विद वेवलेंथ 108.5 नैनोमीटर एंड 30.4 नैनोमीटर. तो एक जो हीलियम प्लस है वो दो फोटोन निकाल रहा है, पहली की वेवलेंथ अलग है, दूसरे की वेवलेंथ अलग है. ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, दो बार जंप कर रहा है तो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है. उसके बाद क्वांटम नंबर एन कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स इनिशियल एक्साइटेड स्टेट इज, वो कहां से जंप कर रहा है ये बता दो. मतलब एक तो होता है ना डायरेक्ट आपको जंप बता दिया, एनर्जी लैम्डा बता दिया, दो बार बताया पहला और दूसरा, पहली बार जंप किया दूसरी बार जंप किया, और पहली दूसरी बार जंप करने पे बताना है एन क्या होगा. अब रूल नंबर वन, और ये भी गिवन है, फॉर फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एनर्जी का ये फॉर्मूला है. वैसे एक बात बताऊं, ये एनर्जी का फॉर्मूला बहुत फेमस है फोटोन का, ये ना वैल्यू याद ही करके लोग चलते हैं घर से. अगर आप प्रैक्टिस करोगे पुराने पेपर्स में तो ये वैल्यू आप देखोगे डायरेक्टली यूज करेगा वो, एच सी बाई लैम्डा की जगह ये यूज कर लेगा. मतलब उसने मल्टीप्लाई कर रखा है एच सी को, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई लैम्डा, ताकि वहां पर मल्टीप्लाई करना ना पड़े. वैसे बेस्ट है आप एच और सी का मल्टीप्लीकेशन घर से याद करके जाओ, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, सीधा वैल्यू पुट. कौन करेगा एच और सी की मल्टीप्लीकेशन वहां बैठ के, ठीक है. तो ये फॉर्मूला बहुत फेमस मैं देखता हूँ, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई लैम्डा, तो इन नैनोमीटर है. तो इसमें एन जहां से वो एक्साइट हुआ नीचे गिरेगा. तो पहली और दूसरी एनर्जी स्टेट है क्या, कितना आसान हो गया ना, लैम्डा दे ही दिया उसने जब आपको, एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया, तो टोटल एनर्जी रिलीज तो ये हो गई ना ऐड करके. टोटल एनर्जी रिलीज में क्या किया, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय एन टू स्क्वायर 1 बाय एन वन स्क्वायर. तो लैंड तो ग्राउंड स्टेट पे कर रहा है और एन से कर रहा है, सॉल्व करके हमने कर दो, एक स्टेप एक्स्ट्रा है टोटल एनर्जी निकालने का, ये इजी है. लैम्डा की रेशियो निकाल रहा है, ये देखो मैं बोल रहा हूँ ना एच सी बाई ई का रेशियो भी 1240 याद करवा रहा है. घर से याद करके जाना एच सी और एच सी बाई ई, एच सी बाई लैम्डा जो भी करना है घर से याद करके जाना, वहां पे कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक. तो मैंने ये लिख भी दिया है, देखो लिख ही लो फॉर्मूला, अंडरलाइन कर लो ऐसे मेरे असाइनमेंट में, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला याद कर लो, 1240 बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब एच सी को मल्टीप्लाई कर दिया है 1240 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक. फिर तो इसमें आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें. जैसे ये रहा, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज क्या होंगी. अब ये आसान है, लैम्डा क्या होता है एच बाई पी, एक बार प्रोटोन के लिए एक बार अल्फा के लिए. कह रहे लैम्डा तो बराबर है, बराबर है तो वेलोसिटी की रेशियो आ गई, मास की रेशियो आपको अल्फा और प्रोटोन की पता है, आंसर आ गया, इजी है. नेक्स्ट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिलेटेड टू दैट इन ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. कह रहे प्रूफ करो, ये ऑप्शन में गिवन होगा आपको आंसर. तो क्या निकालना है आपको, रिलेशन निकालना है किसका, लैम्डा बी का और लैम्डा जी का. लैम्डा बी क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन में, और लैम्डा जी क्या है ग्राउंड स्टेट में. तो एक काम करते हैं, लैम्डा क्या है एच बाई पी, तो p क्या है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ग्राउंड स्टेट में, वेलोसिटी एक्साइटेड स्टेट में. तो यहां से क्या किया हमने, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मास तो बराबर ही है. अब ये मैंने रिलेशन करवाया था आपको वेलोसिटी का और n का, वेलोसिटी क्या होती थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. तो यहां से vg by vb क्या बन गया, nb by ng. तो आपको एक्साइटेड स्टेट तो पता ही है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है 3, ग्राउंड का मतलब क्या है 1, आंसर ठीक. नेक्स्ट ये देखो, इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी टू हिट अ मेटालिक टारगेट टू प्रोड्यूस एक्स रेस, ठीक है, हिट करता है वी पोटेंशियल है, इट प्रोड्यूसेस कंटीन्यूअस एज वेल एज करैक्टरिस्टिक्स एक्सरे. भाई अगर कहानी नहीं सुन रखी क्वेश्चन कहां से अटेम्प्ट होगा, अब समझ में आ रहा है एक्सरे दो टाइप की हैं, वो कह रहा है पूरी कहानी सुना रहा है पहले. इफ लैम्डा मिनिमम इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम, बताया था लैम्डा मिनिमम, वेरिएशन ऑफ लॉग ऑफ लैम्डा मिनिमम टू लॉग वी क्या होगा. मैंने लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला करवाया आपको आज एक्सरे के अंदर, आज लेक्चर की स्टार्टिंग में किया हमने, लैम्डा मिनिमम का लॉग निकालना है, मेडिकल में नहीं आएगा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स. तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म, लॉग ऑफ सेकेंड टर्म माइनस लॉग ऑफ वी, y is equal to mx plus c थे, ये मैथ्स वाले लोग कर सकते हैं, मेडिकल में नहीं आएगा ये क्वेश्चन. समझ में आ रहा है सबको फॉर्मूला क्या लगाना है, लॉग के साथ क्या रिलेशन बनेंगे इसमें, ठीक है. ये देखो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या पार्टिकल ए ऑफ मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी v, मास m इनिशियल वेलोसिटी v हिट्स अ पार्टिकल b
of mass m by 2, which is at rest. The collision is head-on and elastic. Ratio of de Broglie wavelength lambda a, lambda b after collision क्या होगा? भाई तुम पहले velocity निकाल लो, पहले टक्कर मारो, ये करने की जरूरत नहीं है। मैंने वैसे momentum conservation और restitution की help से v1 v2 निकाल दिया। आप बड़े बड़े formulas use कर लो यार, v1 v2 के elastic collision में formulas आपको आते हैं, आप v1 v2 निकाल लो। v1 v2 आ गया, बस फिर क्या है, lambda क्या है, momentum के inversely proportional है, lambda a lambda b, mass की ratio आपको इसमें पता है, m और 2m है, velocity की ratio आप निकाल लेंगे, answer आएगा, easy है। मतलब collision के साथ इसका combination काफी बार देख पा रहे हो कि बन रहा है इसमें। ये not for medical, ये non-medical वालों के लिए याद है, inequality के question बताए थे, homework है non-medical वालों के लिए, सब करने हैं आपने try एक बार। inequality का question फिर से non-medical वालों के लिए, not for medical please, inequality की problem, देखो तो सही क्या रखे हैं, Einstein की equation पे based है सारे के सारे, देखो ये देखो, पूरी Einstein की equations use कर रखी हैं उसने mathematically। ये हो गया, सिर्फ यही नहीं है, देखो ना फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछी जा रहे हैं। सरफेस ऑफ सर्टन मेटल इज फर्स्ट इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड देन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2, इट इज फाउंड दैट मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू केसेस डिफर बाय अ फैक्टर ऑफ 2, वर्क फंक्शन क्या होगा? एनर्जी का फॉर्मूला आपको दे रहा है, पहले वेवलेंथ 350 है, फिर वेवलेंथ 540 है, ई वन वी टू आ गया, वेलोसिटी कह रहा है डबल है, तो लगा लो आइंस्टाइन की इक्वेशन, E energy minus work function half mv square, पहले energy E1 है, फिर energy E2 है, velocity V1 V2 है, velocity की ratio आपको given है, और energy E1 E2 given है, वहाँ से work function आ गया। देखो ये पूरी sheets sufficient है आपको hint देने के लिए कि questions कैसे करने हैं, तो ये last वाली assignment में सिर्फ mark कर लो क्या करना है, सारे नहीं करने, मैं mark करवा देता हूँ as a homework, first question करना है, first करना है, जैसे ये देखो, बता देता हूँ, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिसका वर्क फंक्शन गिवन है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है वो ना मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाता है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा परपेंडिकुलरली तो इट विल मूव इन अ सर्कल, तो देखो ना कॉम्बिनेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उड़ाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन से, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से, आपसे पहले हाफ एम वी स्क्वायर से वेलोसिटी पूछ लेगा, फिर सर्कल की इक्वेशन लगा देगा एम वी बाय बी क्यू, कहेगा कि रेडियस ऑफ सर्कल, इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा ये बता दो, तो आधा पोर्शन आइंस्टाइन की इक्वेशन करेगा सॉल्व, वेलोसिटी तो वहां से आ जाएगी आइंस्टाइन की इक्वेशन से, फिर आर इज इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि ये करना है आपने। क्वेश्चन नंबर टू कर लेना आप, मेडिकल वाले नहीं करेंगे इस शीट को प्लीज, ये शीट नॉट फॉर मेडिकल, आपने प्रीवियस ईयर करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू नॉन मेडिकल वाले करेंगे, थ्री भी करेंगे, हार्ड है यार ये थोड़ी मुश्किल है, ये कर लेना नाइन्थ कर लेना, नाइन्थ ठीक है, नाइन्थ हो जाएगा आपसे, ट्वेल्थ हो जाएगा, ट्वेल्थ हो जाएगा, बस बहुत है यार, प्रीवियस ईयर कर लो ज़्यादा बेटर है, ये इसमें ना कुछ क्वेश्चन एडवांस के भी हैं तो मतलब नहीं है कोई भी टाइम करने का, 10 दिन रह गए हैं, आप प्रीवियस ईयर ही कर लो यार, यही बहुत, अगर ये नहीं करनी इसलिए टहने दो, मतलब ये वाली पर्टिकुलर, बाकी तो सारी कर लो, लेकिन प्रीवियस ईयर पहले कर लो, प्रीवियस ईयर कर लोगे 3 साल के आपको ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे उसमें, अब जितना मैंने करवा दिया करवा दिया, कुछ नहीं करना चाहते, जितना सुन लिया ना, इसको रिवाइज कर लो और प्रीवियस ईयर कर लो, बस बात ही खत्म करो, कुछ मत करो, 3 साल के पेपर कर लो, खत्म कहानी।